बच्चों कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जिसमें हमने पिछले वाले लेक्चर में रिएक्शन ऑफ अमोनिया को स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने वहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन देखी थी। आज हमें कुछ और रिएक्शन देखनी है जो कि अमोनिया शो करता है, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अमोनोलिसिस पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स पढ़ेंगे, उस कैसे अमोनिया में रिडोक्स रिएक्शन होती है वो देखेंगे, और सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया ये रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझते जाइएगा कि कौन सी रिएक्शन कैसे होती है, वो सब हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बच्चों प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब मुझे बताइए सबसे पहले कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। आपको ये पता है ना कि मान लीजिए कोई चीज़ किसी में सॉल्युबल नहीं है तो वो क्या बना लेती है? पीपीटी बना लेती है। मतलब कि आपके पास एक सॉल्यूशन है और उसमें मान लीजिए आपने कुछ डाला और वो उसमें सॉल्युबल नहीं हुआ, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो वो ऐसे क्या बना लेती है? प्रेसिपिटेट बना लेती है। तो मतलब कि सॉल्युबिलिटी अगर कम होगी किसी चीज़ में तो वो एक जगह पर क्या हो जाएंगे? उसके पीपीटी बन जाएंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स डबल डिकम्पोजिशन। क्या होगा इसमें? डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, क्योंकि आप तब चेंज करोगे बच्चों। मान लीजिए आपके पास है एक नाइट्रेट है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, बैरियम नाइट्रेट होगा। ठीक है, और आपके पास मान लीजिए बच्चों AgCl है। ठीक है, अब इसको आप क्या बनाएंगे? इसमें आप इसका बना देंगे बच्चों बैरियम का क्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा और प्लस में AgNO3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रेसिपिटेट बना बच्चों? बैरियम क्लोराइड का। ये रिएक्शन अमोनिया में हुई, तो क्या इसको आप ये बोल सकते हैं ना कि ये क्या हुई? डबल डिकम्पोजिशन हुई, या इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप इसको भी डिकम्पोजिशन, ये कंपाउंड भी हुआ है और AgCl भी हुआ है, तब जाके ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रही है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के कारण ही ऐसा रहा होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ अमोनिया में सॉल्युबल होती तो ये प्रेसिपिटेट बनाती ही नहीं। ठीक है, इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ इन वाटर और लिक्विड अमोनिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है वो किसे बोलते हैं और वो कैसे होती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात में। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं बच्चों, ये जो अभी मैंने एक तो बताई है आपको AgCl वाली, एक तो यही रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन और लिखी हुई है यहाँ, और क्या है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड है और इसमें लिथियम नाइट्रेट है। ठीक है, किसमें रिएक्शन हो रही है? लिक्विड अमोनिया में। तो यहाँ पे किसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं बच्चों? लिथियम क्लोराइड के, और ये क्या है? NH4NO3। मतलब कि जो लिथियम क्लोराइड है वो इसमें सॉल्युबल नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन रहे हैं बच्चों? प्रेसिपिटेट। अब ध्यान दीजिएगा एक बात पे, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कि अगर आप क्या देखें कि जो अमोनिया में है जो मेटल है, वैसे तो जो एल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो कुछ सॉल्युबल होते हैं, पर लिथियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, इनकी इतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी नहीं है बच्चों इसमें। ठीक है, बहुत अच्छे से सॉल्युबिलिटी नहीं है। बेशक से अमोनिया एक पोलर कंपाउंड तो है, पर इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तब मैंने कंपैरिजन अमोनिया का और वाटर का कराया था, तब मैंने आपको ये बात समझाई थी। तो जितने भी अमोनियम के नाइट्रेट हैं, चाहे वो साइनाइड हो, चाहे वो सल्फेट हो, वो सारे सॉल्युबल होते हैं अमोनिया में, पर जो लिथियम के या जो मेटल के होंगे वो इसमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। बात समझ में आ गई है? या फिर एक बात और समझा देते हैं यहीं पर कि जैसे आपके पास क्लोराइड होगा, या आपके पास ब्रोमाइड होगा, या आपके पास क्या होगा बच्चों? आयोडीन होगा। तो क्लोरीन की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, और सबसे ज़्यादा सॉल्युबल क्या रहेगा बच्चों? उसमें आयोडीन रहेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात ध्यान रहेगी आपको, बिल्कुल ध्यान रखनी है। ठीक है, तब ये सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है, वहाँ पे भी यही सारी बातें आती हैं। अब आगे देखिएगा, इसमें भी यही है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है कि कैसे कैसे प्रेसिपिटेट बनेगा। इसमें क्या है बच्चों? जिंक नाइट्रेट है और अमोनियम आयोडाइड है। ठीक है, तो देखो ये तो 100% सॉल्युबल होगा, जितने भी अमोनिया के कंपाउंड होंगे बच्चों वो तो सॉल्युबल होंगे, तो प्रेसिपिटेट तो इसी के ही बनेंगे, क्योंकि एक तो ये मेटल हो गया है। ठीक है ना,
फिर बेशक इसमें आयोडीन रहा हो पर ये मेटल है तो इसका कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा और ये इसमें सॉल्युबल होगा तो प्रेसिपिटेट किसके बनेंगे, इसके। ये एक्सचेंज तो आपको करना ही आता है क्योंकि ये पॉजिटिव होगा बच्चों, ये नेगेटिव। और नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स फॉर पॉजिटिव, ठीक है, आई नेगेटिव। आपने ये पढ़ा है तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ते हैं। ये क्या बच्चों, स्ट्रोंशियम का मेटल जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं प्लस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये अमोनियम, ठीक है, ब्रोमाइड। तो वहीं हमें यहां इसमें क्या बन जाएगा, यहां पे भी देखनी है, जैसे जो ब्रोमाइड है पहले रिएक्शन में क्या लिया गया है कि जो रहेगा जिंक सबको नाइट्रेट। अब देखिए उसकी रिएक्शन में क्या है बच्चों, इसमें है साथ की NH4, पोटेशियम में क्या है बच्चों, ये सल्फर का कंपाउंड है और इसमें AgNO3 पोटेशियम अमाइड के साथ की गई है। तो यहाँ पे जो ये तो फिर बन जाएगा बात है, मैंने बोला कि इसमें क्या बनने वाला है, ये भी कंपाउंड होंगे। अब यहाँ थोड़ी एक करेक्शन करनी है, नाइट्रेट आ जाए या नाइट्राइट आ जाए वो यहाँ क्या बन जाएगा, और दूसरा जो बच जाएगा वाइट था ना, यही अगर आप एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे, यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, क्या हो जाएगा बच्चों, करना है ये इसका हो जाएगा ट्वाइस, ठीक है, क्योंकि जिंक होगा टू पॉजिटिव, टू पॉजिटिव था और NH2, एक NH2 पे एक नेगेटिव होता है तो दो पे दो नेगेटिव, तो जो कंपाउंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और के पास क्या जाएगा बच्चों, NO3 नेगेटिव, के ऊपर एक पॉजिटिव होता है, NO3 पे नेगेटिव, ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो चीज़ है वो क्या है बच्चों, इनसॉल्युबल है, ये इसमें सॉल्युबल नहीं होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या ले रखा है बच्चों, इसमें हमने फिर से यहाँ पे नाइट्रेट था और यहाँ पे क्या ले रखा है बच्चों, जिंक अमाइड ले रखा है, क्या ले रखा है, जिंक अमाइड ले रखा है। और इसमें क्या है, ये KNH2 जो पोटेशियम अमाइड है, लिक्विड अमोनिया में ये रिएक्शन की जा रही है, तो यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि कैसा है बच्चों, सॉल्युबल इन नेचर है, किस नेचर का है, सॉल्युबल होगा। दूसरे वाली रिएक्शन देखिए बच्चों, ये आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, किस तरीके से पढ़ी थी मैं वो आपको एक बार लिख के बता देती हूँ कि जिंक ऑक्साइड और प्लस में आपने की थी NaOH के साथ ये रिएक्शन, तो वहाँ पे कंपाउंड आप बनाते थे सोडियम जिंकेट, क्या बनाते थे बच्चों, सोडियम जिंकेट कंपाउंड आप बनाते थे और यहाँ पे आप लिखते थे O2, इसको बोलते थे सोडियम जिंकेट। देखो एक ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव, दो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, चार नेगेटिव, तो चार ही मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो एक अकेले जिंक कितना दे सकता है, सिर्फ दो पॉजिटिव, एक एन ए एक देगा तो दो एन ए कितने दे देंगे बच्चों, दो पॉजिटिव देंगे, तो यहाँ पे टोटल चार पॉजिटिव और इस साइड कितना, चार नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है वैसे तो, ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं होता है, तो चाहे आप ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें। ये किस फॉर्म में है बच्चों, ये है हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, और ये जो मैंने लिखा है ये किस फॉर्म में है, ये ऑक्साइड फॉर्म में है, बात समझ में आ गई है बच्चों। सिर्फ चार्ज का ध्यान रखिएगा, चार्ज ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे O पे OH पे एक नेगेटिव होता है तो चार पे चार नेगेटिव होगा, तो उतने ही आपको क्या चाहिए होंगे, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए बच्चों, नेक्स्ट में क्या है कि CuCl2 है, CuCl2 में अमोनिया डाला गया है, क्या डाला गया है, अमोनिया, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, CuCl2 प्लस में अमोनिया के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो कॉपर इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्या बनाएगा, ये हम तब लिक्विड जो मेटल और अमोनिया का सॉल्यूशन है वहाँ पे भी इस रिएक्शन को पढ़ाएंगे आपको, कि यहाँ पे आ जाएगा अमोनिया और कितने टाइम्स है बच्चों, फोर टाइम्स, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स हम आपने ये ट्रांजिशन एलिमेंट में भी पढ़े होंगे कि कॉपर कितनी वैलेंसी के साथ सारे कंपाउंड बनाता है, और यहाँ पे बच्चों Cl2, ठीक है, तो ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चों। ये नीचे जो रिएक्शन दी गई है वो किसके साथ है, AgCl के साथ है,
तो सिमिलर रिएक्शन है। रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं बच्चों रिडोक्स रिएक्शन। रिडोक्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रिडक्शन भी हो जाए और जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो जाए उसको हम बोलते हैं रिडोक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए अमोनिया और वाटर का कंपैरिजन यहाँ पे किया गया है कि अमोनिया में ना तो HNO3 और ना ही KMnO4, ये दोनों जो कि पानी में बहुत अच्छे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम आता है KMnO4 में, KMnO4 का पानी में, पर ये अमोनिया में बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। पर जो मेटल है बच्चों उनका जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है, मतलब जो वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे जो बिहेव करते हैं वो लिक्विड अमोनिया में और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं अमोनिया में आकर के। तो बात क्या समझ में आई कि जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है वो तो डिक्रीज हो गई है अमोनिया में आकर के, और जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है क्या है बच्चों, जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो क्या हो गई है, बढ़ गई, ये लिखा हुआ यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड रिड्यूसिंग एजेंट शो इंक्रीज रिएक्टिविटी, वो बढ़ गई है, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गए हैं, वीक हो गए हैं। बात समझ में आई है। तो जो मेटल होंगे वो सारी चीज़ों को क्या कर देंगे बच्चों, वो क्या करेंगे, देखो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, वो एजेंट है रिडक्शन का, मतलब दूसरे का तो कराएगा रिडक्शन और खुद का हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन। जैसे सोडियम है, मेटल है, रिड्यूसिंग एजेंट होगा बहुत अच्छा किसमें, अमोनिया में, और अच्छा हो जाएगा, अच्छा तो है और अच्छा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, इसका अपना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, मतलब अपना ऑक्सीडेशन करने वाला है और दूसरे का करा देगा रिडक्शन। जैसे यहाँ पे कॉपर एक पॉजिटिव में है बच्चों, पर यहाँ पे चला गया है जीरो में, मतलब पहले प्लस वन, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे रखा था, और इसका मतलब है जीरो, उसने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखा है, ठीक है। तो नहीं दे रखा मतलब उस पहले उसने दे रखा था, अब नहीं दे रखा मतलब उसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, और लेना इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। तो इसका सोडियम ने कराया कि नहीं कराया रिडक्शन, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सोडियम ने अपना ऑक्सीडेशन करा लिया, कॉपर का करा दिया बच्चों रिडक्शन, ठीक है। ऐसे ही KMnO4 के साथ यहाँ पे किया गया है, किसने किया है, पोटेशियम ने किया है, तो एक K2MnO4 बन गया। यहाँ क्या था, KMnO4, और यहाँ क्या बन गया, K2MnO4। कैसे पता लगाएंगे बच्चों, KMnO4 में Mn की वैलेंसी कितनी है, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बच्चों, 7 है, प्लस 7। यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे है बच्चों 6, मतलब प्लस 7 से प्लस 6, प्लस 7 से कितने पे आ गया, प्लस 6 पे, मतलब पहले 7 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे अब 6, ये 7 से 6 पे कैसे आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा। तो इसका भी क्या करा दिया है बच्चों, पोटेशियम ने KMnO4 का भी क्या करा दिया है, यहाँ पे रिडक्शन करा दिया है। तो बोलो आपको बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स। अब आपको ये टर्म सुनी सुनी लग रही होगी, सुनी सुनी नहीं मतलब आपने सुनी हुई है ये बात, कैसी कि फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट्स जैसे पढ़ते थे वैसे ही एक नाम है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिएट्स। जैसे कि अगर किसी के साथ पानी जुड़ जाए, जैसे कि CuSO4 है उसके साथ बच्चों पानी लग जाए, जैसे 5H2O, तो आप उसको उसका हाइड्रेट बोलते थे। अगर यहाँ पे अमोनिया लग जाती है, जैसे ये सारी जगह लगा रखी है, तो इनको क्या बोल देंगे बच्चों, अमोनिएट्स बोल देंगे, ठीक है। ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी पढ़ाई है, जैसे BF3 है अमोनिया, जिसको मैंने अडक्ट फॉर्मेशन में आपको पढ़ाया था कि BF3 है, NH3 है, ये इसको लोन पेयर डोनेट कर देगा और ये कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा BF3 NH3, ratio 1:1 रहती है, मतलब ये भी एक मॉलिक्यूल रहेगा, ये भी एक रहेगा। यहाँ पे क्या रेशो दिखाई दे रही है, 1:6, अमोनिया के तो 6 मॉलिक्यूल हैं और MgI2 सिर्फ एक ही है, बात समझ गए बच्चों। तो ये क्या होती है, अमोनिएट्स की फॉर्मेशन, जो कि यहाँ पे सिलिकॉन के साथ भी दिखाई गई है और निकल के साथ भी दिखाई गई है। तो आपको अमोनिएट्स का पता होना चाहिए कि अमोनिएट्स का मतलब होता क्या है, ठीक है।